कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जो अन्य धर्म के लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, पहले वे अपने माता पिता से पूछे कि वो कौन से धर्म से थे। आप ही सुनिए पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस मामले में क्या कहा। धर्मांतरण के लिए तो पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो धर्मांतरण करवा रहे हैं या धर्मांतरण के लिए लोगों को कह रहे हैं कि इस धर्म को छोड़ दो, उस धर्म को छोड़ दो, हम तो कहना चाहेंगे पहले उनके पिताजी और माताजी से पूछ के आओ वो कौन से धर्म के थे। मूल तत्व वहाँ है। आज जो धर्मांतरण करा रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, पहले उनके दादा परदादाओं से पूछा जाए कि उन्होंने कभी शिव मंदिर में गए थे, राम मंदिर में गए थे कि नहीं गए थे, कभी अगरबत्ती लगाई कि नहीं लगाई, सोमवार मंगलवार का व्रत करा कि नहीं करा। जब उनके पूर्वज उसको मानते हुए आ रहे हैं और आज के बच्चे अगर खड़े होकर संकल्प दिला दें कि आप इस धर्म को ना पूजिए या सनातन धर्म से दूर हट जाइए, तो ये उनकी विपरीत बुद्धि है। ये उनको, वो खुद नहीं कर रहे हैं, ऊपर से कहीं प्रेशर आकर उनसे कराया जा रहा है। ये वो खुद भी नहीं चाहते कि हम संकल्प दिलाते समय वहाँ खड़े रहें या संकल्प दिलाएं, ये ऊपर से प्रेशर है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।